नवीन जैन जब यमराज तक नहीं डरता था यार ये नेता बेतार सीएम वीएम का इनका सौदा के। अरे जैन तू बीजेपी में जाना लग रहा है, बीजेपी के खिलाफ बोला। अरे मैं ये पूछूं जिनको बीजेपी के खिलाफ बोलना था, सरकार के खिलाफ बोलना था, वो उस टाइम तक किस बेल में घुस रहे थे? मैं तो इतनी नहीं गया हूँ किधर। और ये देखो बीजेपी में आज जितने नेता हैं या चुनाव लड़ रहे हो, कितने कांग्रेस में थे? या जो आज जेजेपी में है, जो कांग्रेस में कितने थे या कांग्रेस के जेजेपी में? जैन तो 20 साल से एक उसमें था भाई, मेरी देख के पार्टी दी बताई एक कलो भाई थी, दोनों छोड़ दी, छूट गई, कुछ भी कह लो। नवीन जैन हमारे साथ हैं, आज पानीपत में पहुंचे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं आप? आज तो भाई साहब मेरी पानीपत कोर्ट में तारीख थी, वो जो कावड़ यात्रा का भाईचारा और नशे के खिलाफ जो कावड़ यात्रा थी, तो उसके साथ में एक बार मगा पत्रकार साथियों से भी मिलने, और एक ये और इशू था, वो इशू ये था कि एक ऐप है, उस ऐप ने एक फिल्म जारी करी है थारा फूफा जिंदा है, तो वो थारा फूफा जिंदा असली फूफा तो दादा दुलीचंद, आप लोगों को सबको पता है। अब बहुत से लोग मेरे को ये कह रहे थे भाई तुमने कुछ पैसे वैसे मिलने हैं और कुछ, हम अभी मैंने तो कुछ बेरा नहीं ना तो हमने पैसे मिले। तो नीरज चोपड़ा भाई हैं अपने जो ओलंपियन हैं, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो पानीपत से उनका ना था, तो मैं उनको थोड़ा नहीं मगा भी बता दें कि भाई ये इस तरह की जो कंटेंट चोरी कर रहे हैं, कोई कहते नहीं हो कोई तन का चोर, कोई मन का चोर, कोई धन का चोर, अब एक नए कंटेंट चोर आ गए, तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है ये चीज़। असली जो फूफा है वो नाराज़ है इस बात से, आगे भाई कम से कम उसको बता देते आप, ये तो सही नहीं है कि आप मतलब पूरा पूरा कंटेंट चोरी करके उनको पता भी नहीं चल, लोग सोचेंगे कि उनने पैसे मिले होंगे और कुछ होया होगा, तो इसके उसमें मगा एक बार बता देते थोड़ा सा। पॉलिटिक्स की थोड़ी सी बात कर ले, अब आए हो तो पानीपत में, रोहतक में क्या चल रहा है? जगह जगह बीजेपी वालों के विरोध देख रहे हैं आप, अरविंद शर्मा का ज़्यादा विरोध हो रहा है, दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है। भाई ये ऐसा है, अब इसमें तो क्या बताऊँ मैं, ये तो मेरे मन तो एक ये अपील करी थी, अगर भी किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आवे उससे सवाल पूछो, अगर वो सरकार में है उससे पूछो कि भाई क्या करवाया है, और अगर विपक्ष में है तो उससे पूछो कि आपने हमारी आवाज़ कितनी उठाई है, और एक जूता ही माड़ा रखो एक फूला ही माड़ा रखो। अभी हम जल्द ही एक कैंपेन शुरू एक दिन आऊँगा मैं आप लोगों के पास कर रहे हैं कि आपको लगा है कि भाई आपने ठीक काम करा उसको माड़ा पड़ा दो, अगर आपने लगा ठीक नहीं करा उसको जूता ही माड़ा पड़ा दो, और नेता को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई हाँ अगर मैंने नहीं करा तो जूता ही माड़ा पड़ा दो, लेकिन ये इस तरह विरोध करना इसके मैं खिलाफ हूँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने तैयारी कर रखी है, कोई आपके पास आएगा या आपके इलाके में आएगा तो जूतों की माला? हाँ मैं तो पूरे हरियाणा में जाऊँगा भाई साहब, पूरे हरियाणा में जाके लोगों को देख आऊँगा, और लोगों के पास बहुत जूते जाते पड़े होंगे पुराने, किसी को जूता मारो मत, किसी को गाली मत दो, किसी का रास्ता मत रोको, उसको आने दो और उससे सवाल करो, और सवाल करके फिर आपको भी मेरा जी कर रहा है आपको जूते ही माड़ा पुराने का बता, तो उसमें लोकतंत्र है, उसमें सबको हक है बोलने का, अपनी आवाज रखने का, तो लोगों को भी तो हक है ना। इतनी 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 नवीन जैन भी ऐसे ही करेगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं अगर मन ने चुनाव लड़ना पड़ जाता तो एक जूता रहे उसकी माड़ा रखियो, मैं एक आम जागरूक नागरिक होने के नाते मैं जितनी आवाज था उसका था मैंने उठाई, अगर फिर भी लोगों को लगा कि नहीं तने मारे हिसाब से नहीं उठाई तो जूता ही माड़ा पड़ा दियो के प्रूफ। अबे चौटाला ये कहते हैं कि बिना सिक्योरिटी के ये लोग जाएं वोट मांगने के लिए तो पब्लिक तो इनको पीटेगी, जैसा आप कह रहे हैं। नहीं पीटना तो देखो ठीक नहीं है, वो तो किसी के लिए भी सही नहीं, लोकतंत्र में देखो आपसी भाईचारा खराब होता है, गांव में कोई बुलाता है फिर दूसरे लोग उस पे, तो नेता तो निकल के चला जाएगा, उसके बाद खराब होगा भाईचारा, तो मैं ये नहीं चाहता कि भाईचारा खराब हो, मेरा जरूर ये है और नेताओं से भी, वो नेता खुल के कहें भाई हमारे हैं, हमारे से जो सवाल है पूछ लो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता मेरा जूता ही माड़ा पड़ा दो, अगर आपको लगता है कि भाई फूलना की लायक हूँ मैं फूलना ही पड़ा दो, अगर जूता ही पड़ा अपना आराम तो पैर गाजा क्या प्रॉब्लम है। अच्छा आपके भी क्या लगाए जा रहे थे, दोनों पार्टियाँ बीजेपी कांग्रेस संपर्क में थी आपकी, क्या कोई बातचीत बनी या कुछ ऐसे ही था? संपर्क में भाई साहब ये आप लोग संपर्क में रखे रहो, चर्चा में रखे रहो, भाईचारा अपना ठीक है पत्रकारों के साथ, बाकी मेरी अभी ट्रंप से भी बात चल रही हूँ, अमेरिका में भी चुनाव है तो वो भी देखते हैं क्या बता, उड़ जाना पड़ जाए। लेकिन ये अफवाह थी क्या वाकई में संपर्क? देखो संपर्क की जहाँ तक मैं बताई, मैंने पहले भी बताया था, संपर्क तो कोई भी पार्टी है वो करती है, सब करती हैं एक दूसरे में, संपर्क की कोई ऐसी मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ से, लेकिन चर्चाएं ज़्यादा होती हैं। अब नॉर्मली भी कहीं मिल गया, अब यहाँ कोई नेता यहीं गेस्ट हाउस में आ गया, उस तक मैं मिल लिया, फोटो उतार लिया, वीडियो उतार लिया, उस तक चला देंगे कुछ भी चर्चा, अभी तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद बताऊंगा। मैं तो कांग्रेस के विकल्प खुले हैं आपके लिए? मेरे तो दरवाजे नुगार सबके लिए खुले रहे हैं, लेकिन मेरे दरवाजे में पड़ने के लिए बड़ा हिम्मत और जिगरा चाहिए किसी के भी लिए,
मैं कोई MLA MP टिकट के लिए तो कहीं किसी के दरवाजे बजाऊं नहीं, मैंने तो बनाए हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह पता होगा इस चीज़ का, ये MLA MP की बात नहीं है, बात है कि लोगों की सेवा करने, लोगों के लिए पावर नरे MP MLA हैं, आप लोग देख लो क्या करा है हमने, अपना सड़क पर लड़ाई लड़ के लाखों लोगों का भला करवाया है, पॉलिसी बदलवाई है, लड़ाई लड़ी है, कोई MLA MP क्यों नहीं कर पाया मैं, इसलिए मैं तो ये थोड़ी सी दिल्ली की बात कर लें, आपकी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। मेरे साथ तो देखो जब थे मैं 12 साल पहले हम एक बार तिहाड़ में गए थे, मैं और अरविंद अन्ना हजारे मनीष, और जिस बैरक में मैं और अरविंद एक बैरक में थे और अन्ना जी और मनीष जी अलग में थे, अन्ना आंदोलन आपको याद ही होगा, और उस टाइम पे स्वराज की हम किताब बेचार थे, ये भाई ये शराब कद बेचने लगे मैंने बेरा नहीं है, और मैं तो ये कह रहा मैंने तो कही थी अगर भी देखो मेरे 17 साल पुराने दोस्त रहे हैं, वो पार्टी तो 2012-13 में बनी, मैं तो 2007 से साथ हूँ, तो करीब 17 साल रहे हैं, तो मैं तो 17 साल तिहाड़ में जेल में जाने के लिए समय बिताने के लिए अपने पुराने साथी हैं तो तैयार हूँ, और इतने MLA MP अटरम सेटरम बन रहे हैं 10-20 दिन सारे जाएं तो टाइम सही कट जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी जेलों से डरना नहीं चाहिए, और गीता में ये लिखा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, बाकी मेरा तो अपना ये मानना कि न्याय पे के ऊपर न्यायालय के ऊपर विश्वास तो करना पड़ेगा भाई साहब, उसमें तो कोई रास्ता है नहीं। अच्छा आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं क्योंकि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं जाहिर तौर पर नेताओं को यही मुद्दे उठाने चाहिए और पब्लिक देख भी रही है आपकी तरफ कि मतलब नवीन जैन बोले कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, है इच्छा मैंने भाई साहब कौन लड़वा हुआ है, देखो मैं तो बागी टाइप का आदमी हूँ और बागी टाइप के आदमी किसी को आपकी एक आवाज़ पे सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं वो तो एक प्रेम है भाईचारा है, बाकी बागी लोग किसी को पसंद नहीं होते हैं, और मेरी कोई डिमांड नहीं है कि मुझे कोई MP बनाए MLA बनाए, मैं तो कोई भी सरकार है मेरे को सरकार कहते हैं भाई तेरी दौरे जो समस्या कोई भी लेकर होगा समाधान होगा, मैं तो उससे पार्टी के नहीं कह दूंगा भाई ठीक है इनकी गलियाँ मरना जरूरत नहीं है, MLA MP बन के देख लिया मैं, मुख्यमंत्री गलियाँ रह के देख लिया, सरकार चला के देख ली, बात है पावर पावर मीनक आपके पास कोई आता है और उसका समाधान हो जाता है, जैन में कोई दो नंबर के काम तो हमने करने नहीं है, अगर मैं किसी दौरेदारू बेकवाऊँगा सल्फा बेकवाऊँगा और क्या मैं करवाऊँगा, पावर की बात है, और कोई भी MLA है MP है, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कब सारे MLA MP सब कुछ आपके पास आओगा जनता के पास, अपनी पर्ची तैयार रखो, हमारी ये समस्या इस पर क्या कह रहे थे ना, सवाल गुलाम मत बनो, माला लेकर खड़े हो जा, जिसने कभी अपने बाबू का माला निकाली अपनी माँ का दादा का माला निकाली नेता का गाल रहे हैं, पानी मारना छोड़ दो, मुद्दा पर सवाल करो, पूछो आके भाई SYL पे कोई नहीं बोलता, इतना गर्मी आएगी पानीपत में कमी नहीं है पानी की, रोजगार के पूछो, अपनी गलियों पे पूछो, अपने सीवर पे पूछो, अपनी सफाई पे पूछो, मेरा तो यही है भाई साहब आगे सवाल पूछने चाहिए। चलिए नवीन जैन हमारे साथ थे, राजनीतिक गुफ्तगू भी हुई है लेकिन स्टेज ऐप के खिलाफ जो है इन्होंने पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दूसरी बड़ी बात यह है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या नहीं है इस पर भी जो है नवीन जैन खुलकर बोले, हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि BJP और कांग्रेस के नेता जो हैं नवीन जैन के संपर्क में थे लेकिन बात बनी या नहीं बनी वो नवीन जैन या पार्टियों के नेता जो हैं वो जाने, आप इसी इंटरव्यू को अगर जो फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को फॉलो जरूर करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नमस्कार।